प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस शोज ऑल द ऑनगोइंग एक्शंस दैट आर इन कॉन्टिन्यूएशन राइट नाउ. वो सारे एक्शंस जो इस वक्त अभी भी जारी हैं, वो सारे एक्शंस जिनका हमें नहीं पता कि उनकी स्टार्टिंग कब हुई थी और उनका एंड कब होगा, वो सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं. ये बात हम लगभग सभी लोग जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस ऑल्सो. यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस ऑल्सो. हाउ? वी विल कम टू नो एज वी कॉन्टिन्यू अवर चैप्टर. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू, इफ यू हैव मिस्ड एनी पार्ट ऑफ द टेंस, यू कैन गो थ्रू द लिंक गिवन अबव एंड यू कैन ओपन द प्ले लिस्ट एंड chapter from the beginning one by one. Okay, so present continuous tense. So let's start our class with present continuous tense. So hello my dear students, welcome back to my class Pearls of Wisdom. Present actions. So, present continuous tense shows present actions that are going on now. Means वो सारे actions जो कि अभी इस वक्त चल रहे हैं, वो सारे के सारे sentences आते हैं present continuous tense के अंदर. Nobody knows when the actions had been started and when they are going to finish. It also shows the actions that are going to take place in future. So, on the basis of these basic key features, we can define present progressive tense as present continuous tense not only shows present actions in a process right now, but sometimes indicates our future actions as well. ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो सिर्फ हमारे कंटिन्यू में चलने वाले एक्शंस को ही शो नहीं करता है, बल्कि हमारे आने वाले फ्यूचर एक्शंस को भी शो करता है. सो दीज आर सम की पॉइंट्स बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. टू रेफर टू द एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. Tejas is hitting the ball perfectly. Why are you gulping your food so hurriedly? Itni jaldi jaldi khana tum kyon kha rahe ho? Don't worry, she is here playing with me. Okay, to wo sare ke sare actions jo speaking ke time usi waqt ho rahe hain, wo sare ke sare sentences present continuous tense ke andar aate hain. Next one. To express an action that is repeated regularly but leaves a negative impression. कई बार ऐसा होता है कि कुछ actions ऐसे होते हैं जब हम third person को मना करते हैं करने के लिए, उसके बावजूद भी वो action को क्या करते हैं, repeat करते हैं, वो same actions को repeat करते हैं. ठीक है, तो उस वजह से वो सारे के सारे उनके जो actions हैं वो एक तरह से उनके negative बिहेवियर को शो करते हैं. शी ऑलवेज टॉकिंग लाइक अ फूल, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हेल्थ. ओके, दो शी इज़ फाइन, यू नीड नॉट से दो शी इज़ फाइन. इफ़ यू से शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हेल्थ, ऑटोमेटिकली द सेंटेंस इज लीविंग अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ दैट पर्सन. ओके, दिस इज लीविंग अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ दैट पर्सन. ओके, सो यू नीड नॉट से दो शी इज़ फाइन. ओके, तो कॉन्टिन्यू में कोई भी इंसान जब भी कोई कंप्लेनिंग सेंटेंस बोलता है या फिर ऐसा कोई एक्शन करता है जो रेगुलरली बार बार मना करने के बावजूद भी करता है, वह सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है. नेक्स्ट वन, एनी ह्यूमन नेचर दैट इज़ स्लाइटली एक्सपेक्टेड टू चेंज.
ऐसा कोई भी ह्यूमन नेचर जो कि चेंज होना लगभग नामुमकिन है, यानी कि एक सेंटेंस जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को शो करे, एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जिसका चेंज होना लगभग नामुमकिन है. ओके, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज. पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग देयर सर्कमस्टेंसेस बट नॉट चेंजिंग देयर एक्शंस. यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर सॉरी बट ऑफ नो यूज़. ओके, सो यू अगेन एंड अगेन आर सॉरी फ्रॉम मी बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आस्किंग सॉरी बिकॉज यू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. ओके, तो इस तरह से जो सेंटेंसेस ह्यूमन बिहेवियर को शो करते हैं जो कि चेंज होने की जहाँ पर बहुत कम संभावना है, वो सेंटेंसेस भी आते हैं हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर. ओके, नेक्स्ट वन, टेम्प्रेरी एक्शन. समटाइम्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शोज अवर टेम्प्रेरी एक्शंस आल्सो. वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू होम नाउ अ डेज. Trains are not arriving at time. Next one, to describe a habitual or regular action. I am working hard to accomplish this project. Next one, I am writing 5 pages a day because I want to improve my handwriting. Next one, to add a suspense or humor. For example, oh my god, your son is really very naughty. He is going to hit my dog. The sight is very scary. It is going to kill me. Okay, तो इस तरीके के sentences जो एक sudden surprise show करते हैं, okay, या humor leave करते हैं, वो सारे sentences भी हमारे present continuous tense में आते हैं. Next one, the last one, most important, to show future plans and arrangements. Now, this is the sentence that I was talking about in the beginning of the session. वो सारे plans और arrangement जो कि हम अभी बना रहे हैं, लेकिन वो जो actually activity में आएंगे वो future में ही आएंगे. For example, I'm very excited as I am leaving for Mumbai tomorrow. I have not left for Mumbai till now. I am very much excited, but the action is going to take place in future. Okay, wo action future mein hoga, and next thing, tomorrow. Tomorrow itself is indicating a future tense. Okay, tomorrow khud hi apne aap mein ek future tense ko indicate karta hai, future action ko show karta hai. To इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में होने के बावजूद भी ये बात कर रहा है फ्यूचर एक्शन की. सो वी कैन से दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो. सी वन मोर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी टूडे, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार. But till now I have not bought a car. Okay, अभी तक मैंने अपनी कार को ख़रीदा नहीं है. ठीक है, तो जो भी एक्शन है वो फ्यूचर में होने जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस. ओके, नाउ सपोज इफ आई रिप्लेस द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार और आई विल बाय अ न्यू कार. ओके, suppose I say I am happy today, I will buy a new car. So yes, this sentence can be replaced, but still there is a slight difference. There is a slight difference between going to and will. तो actually में ये जो will and going to है, इन दोनों के बीच में एक difference है. ठीक है, इन दोनों ही sentences में एक slight difference है जिसके बारे में मैंने actually detail में बताया है. Actually I have already made a video on this topic. There are some differences between will and going to. Okay, that is why I have made a separate video on this topic. If you wish to learn the differences between these two words or phrases, you can visit that video, difference between will and going to. Okay, ultimately these sentences are showing that
These sentences, though being the part of present continuous tense, are also the part of future tense. So these are some basic key points by which you can recognize easily present continuous tense. I will meet with you in my next session, in which I will explain you the structure of present continuous tense. So till then, goodbye, happy learning.